हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंटीन्यूअस फंक्शन। इफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कैन बी ड्रॉ विदाउट टेकिंग अप द पेन देन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ठीक है, इस ग्राफ को हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो हमने पेन बिना उठाए इस ग्राफ को बनाया। कहीं भी ये ग्राफ जो है आपका ब्रेक नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहां पर आपको दिया गया है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये ग्राफ है आपका वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, साइन 90 क्या होता है, वन होता है। तो ये पाई बाई टू पर आपको क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। साइन पाई आपका जीरो होता है, साइन थ्री पाई बाई टू आपका जो है वो क्या होता है, माइनस वन होता है। ठीक है, तो ये आपको माइनस वन मिल गया, यहाँ पर ये आपको वन मिल रहा था यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, पाई बाई टू पर। ठीक है, इसी तरीके से टू पाई पे आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहां से लेकर यहां तक के बाद ये वेव जो है, ये जो साइन एक्स का जो ग्राफ है उसका पीरियड क्या हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये वापस से रिपीट हो रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा। ठीक है, जहां पे से आपका ये ग्राफ सेम एज इट इज रिपीट हो जाए तो वो जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। तो आप यहां से देख लो, जीरो से लेकर टू पाई तक ये वेव है, उसके बाद ये वेव वापस रिपीट हो गई, यहां से टू पाई से फोर पाई तक। सिमिलरली इधर भी आपकी क्या हो गई, टू पाई माइनस टू पाई से जीरो तक ये वेव इस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक ये वापस से रिपीट हो रही है, माइनस फोर पाई से टू पाई तक। ठीक है, सो इस तरीके से आपको जो है ये साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, और ये कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन। यानी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स क्या है, आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब यहां पर हम इसकी बात कर लेते हैं रेंज और डोमेन की। ठीक है, तो रेंज आपकी यहां हो गई x, डोमेन आपका यहां पर हो गया x बिलोंग्स टू r। अब डोमेन कैसे देखोगे, x की वैल्यू आपको देखनी है। यहां से आप चल रहे हो, ये माइनस इनफाइनाइट से चले आप, और ये इनफाइनाइट तक इधर चल रहा है, चलता चला जा रहा है ये ग्राफ। ठीक है, रिपीट होता चला जा रहा है हर टू पाई पीरियड के बाद। तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आपकी वैल्यूज चल रही है, यानी कि एक्स जो बिलोंग करता है लेफ्ट टू राइट में, वो क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इसका डोमेन हो गया, या फिर आप बोल दो एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस वन से वन। ठीक है, क्योंकि पाई बाई टू पर वन है और थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन है, तो मैक्सिमम वैल्यू वन है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या है, माइनस वन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टेन के ग्राफ पे, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स के ग्राफ पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, अपने डोमेन में जो है वो कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूस कहां पर है, दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूस एट टू एन प्लस वन पाई बाई टू पर, ये आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस है। जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया हमने, जहां पर एन बिलोंग्स टू आपका आर है। जैसे आप देख लो पाई बाई टू पर, माइनस पाई बाई टू पर। ठीक है, ये क्या जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, देखो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है ना, और ये यहाँ ब्रेक हो गया ये ग्राफ इस पॉइंट पर। ठीक है ना, ब्रेक हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि टेन एक्स आपका क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। अब यहां पर क्या होगा, कोस एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए x नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू।
ठीक है। इसलिए इस पॉइंट पर यह क्या हो जाएगा, इन इन पॉइंट्स पर यह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये तो हो गए कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूटी की बात, ठीक है। यहां हम डिस्कस कर चुके हैं साइन एक्स का डोमेन और रेंज। साइन एक्स का डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर और रेंज होगी आपकी -1 to 1। नाउ वी विल डिस्कस रेंज एंड डोमेन ऑफ कोस एक्स फंक्शन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोस एक्स, राइट। सो एक्स एक्सिस पर आपका क्या है, जीरो पाई टू पाई, ये हमने ले लिया, और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया 0.5, 1, 1.5 एंड सो ऑन। यहां भी जीरो से स्टार्ट होकर के ये ग्राफ रिपीट हो रहा है 2 पाई के बाद। तो यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, पीरियड जो है वो क्या हो गया आपका 2 पाई हो गया, ठीक है। ये रेड लाइन आप देख लो, इसके बाद ये आपका क्या हो रहा है, पीरियड यहाँ पर 2 पाई है, इसके बाद ये रिपीट हो गया, यहाँ भी 2 पाई एंड सो ऑन, इधर भी ये 2 पाई। तो 2 पाई आपका क्या हो गया, पीरियड हो गया, जिसके बाद ये आपका जो सिग्नल है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई पीरियड की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके डोमेन और रेंज की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, जो कि है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो x आप यहाँ देख रहे हो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, r हो गया, ठीक है। मतलब x की वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू मिलती जा रही है, x की वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू मिलती जा रही है। और y क्या हो गया यहाँ पर, रेंज जो है वो क्या हो गया, -1 से 1 ही है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 है और मिनिमम वैल्यू आपकी यहाँ पर -1 है। तो cos पाई होता है आपका -1 और cos 0 होता है आपका 1, ठीक है। तो रेंज आपकी क्या होगी, -1 to 1 हो गई यहाँ पर cos x के लिए। ये बिल्कुल आपको क्या है, मतलब याद होनी चाहिए, है ना। आप कैलकुलेट करने नहीं देखोगे या ग्राफ बना के आप इस तरीके से सोचोगे नहीं, आपको याद होनी चाहिए कि रेंज की बात कर रहे हैं तो -1 से 1 क्लोज इंटरवल, यानी कि -1 और 1 भी इंक्लूड है, और x बिलोंग्स टू r यानी कि डोमेन, ठीक है। दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज, राइट। नाउ टेन एक्स की बात करी हमने, टेन एक्स की बात करी आपने, तो यहां पर रेंज आप देख लो, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो रेंज आपका क्या हो गया, यहाँ रेंज आपकी होगी r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r हो गया। और डोमेन क्या हो रहा है यहां पर, कहां पर ये ब्रेक हो रहा है, इस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है पाई बाई टू पर और -π/2 पर। तो ये क्या हो गया, r माइनस 2n+1π/2, वेयर n बिलोंग्स टू z या फिर इंटीजर। इंटीजर को z से भी बिलोंग बताते हो या फिर i से भी बता सकते हो, एक ही बात है। तो इन इन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी जगह आपका डोमेन एग्जिस्ट कर रहा है। तो r माइनस 2n+1 into π/2, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राफ क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है, तो वो पॉइंट्स और वो x की वैल्यू तो आप छोड़ दोगे। तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 into π/2, ठीक है। तो ये इसका डोमेन और रेंज हो गया। इसी तरीके से हम बात करेंगे कोटेक्स की, किसकी बात करेंगे हम, y इज इक्वल टू कोटेक्स के ग्राफ की। तो कोटेक्स क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है साहब। यहां से क्या पता लगा, साइन एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, जहां पर एन आपका क्या है, एन बिलोंग्स टू आई है, ठीक है। तो यहाँ डोमेन की अगर हम बात करें इस ग्राफ में, ठीक है, डोमेन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो वो है आपका एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई, ठीक है, जहां पर एन बिलोंग्स टू आपका आई है। और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज आपका यहाँ भी आर ही रहेगा, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। और ब्रेक कहाँ हो रही है, एन पाई पे ब्रेक हो रही है, पाई 2π 3π यहाँ ब्रेक हो रही है। तो ये एन पाई को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई है, क्योंकि यहाँ इसको हम नॉट इक्वल टू जीरो ही रखेंगे, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा ना उस पॉइंट पर। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि जीरो से पाई के बीच में ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, ठीक है ना।
जीरो टू पाई के बीच में, ठीक है। तो अपने डोमेन में तो क्या है ये कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। वाई इज इक्वल टू सेक एक्स की हम बात करेंगे तो y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये कॉस एक्स का जो ग्राफ है ये बना लिया पहले, और इसके जो पीक पॉइंट है वहां पर ये पेराबोला टाइप आप बना दोगे, ठीक है। तो यहां पर भी हमने क्या करा, ये पीक था नेगेटिव में तो इसके ऊपर हमने ये पेराबोला बना दिया, यहाँ पे हमने ये पेराबोला बना लिया। तो ब्लू ग्राफ जो है ये ग्राफ है आपका सेक एक्स का, और ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो आपका है कॉस एक्स का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका सेक का ग्राफ बना। अब हमको तो बात मेनली क्या करनी है, रेंज और डोमेन की बात करनी है, ठीक है साहब। तो सेक एक्स क्या होता है ये आपको पता है, ये होता है वन अपॉन कॉस एक्स। तो यहां पर क्या होना चाहिए, कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और कॉस एक्स के लिए क्या था, एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, टू एन प्लस वन पाई बाय टू होना चाहिए, जहां पर n बिलोंग्स टू आपका i हो गया, ठीक है। सो यहां से आप देख रहे हो डोमेन आपका क्या आ जाना चाहिए, डोमेन आपका यहां पर आना चाहिए x बिलोंग्स टू r माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, वेयर n बिलोंग्स टू i। रेंज की हम बात करें साहब, तो रेंज क्या हो जाएगा आपका, माइनस इनफाइनिट से माइनस वन, यूनियन वन टू इनफाइनिट। ठीक है, ये ग्राफ कहां से जा रहा है, रेंज का मतलब हो गया y की वैल्यू। तो आप नीचे से अगर यहां देखें ग्राफ तो ये कंटिन्यूस आगे चलती चली जाएगी, तो ये माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जा रही है, माइनस वन तक आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर तो ग्राफ बनेगा नहीं यहां पर, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कहां तक जा रही है, माइनस वन तक जा रही है, तो माइनस इनफाइनाइट तो माइनस वन हो गया, और इधर ये इनफाइनाइट तक जा रही है आगे, कहां से जा रही है, ये वन से लेकर जा रही है, तो वन से ऊपर इनफाइनाइट तक जा रही है, तो ये वन से इनफाइनाइट तक हो गया, यानी कि वन इसमें इंक्लूड है, माइनस वन इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ के थ्रू आप इसको समझ सकते हो कि रेंज आपकी क्या होगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको बता रहे हैं कंपेयर करके ग्राफ के थ्रू कि कहाँ कहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो ना आप, तो कि इधर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है साहब, तो माइनस इनफाइनाइट तक इधर कहाँ तक है ये ग्राफ, कहाँ से शुरू हो रहा है, माइनस वन से शुरू हो रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन हो गया साहब, और यहाँ वन से स्टार्ट हो गया, इधर कहाँ तक जा रहा है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो वन से क्या हो गया, इनफाइनाइट तक हो गया। इसका आप क्या कर लोगे, यूनियन कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ये बीच वाला जो पार्ट है ये वाला इसके अंदर ग्राफ के अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ देंगे, वो आपका रेंज में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है आपका y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहां से आपको पता लगा x नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, वेहर आई एन इज इक्वल टू एन बिलोंग्स टू आई हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ग्राफ की चर्चा करें, तो ग्राफ की जब हम चर्चा करेंगे तो ये हो गई आपकी साहब एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अब पहले हम बना लेते हैं साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब आप देखो आपको बनाना है कोसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो हम यहाँ कलर चेंज कर देते हैं उसके लिए, तो ये यहां पर क्या वैल्यू आ रही है, माइनस प्लस वन, और ये आपकी यहां पर वैल्यू हो गई माइनस वन, ठीक है। ये आपका हो गया पाई बाई टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू,
और ये आपकी होगी 2π। तो यहां से ये ग्राफ बनेगा आपका इस तरीके से, ठीक है। जो यहाँ पर पीक्स है उसके ऊपर आप ये ग्राफ बना दीजिए, नीचे भी इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइड पे भी इसी तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ जो है आपका पर्पल कलर वाला, ये तो है आपका कोसेक एक्स का ग्राफ, और ये ब्लू वाला है आपका साइन एक्स का ग्राफ। तो अब डोमेन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, डोमेन की बात करें, तो डोमेन तो हो गया आर माइनस एन पाई, क्योंकि ये तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है ना। वेयर एन बिलोंग्स टू आई, डोमेन की बात खत्म। अब आ गई साहब रेंज की बात। तो जैसे हमने सेक एक्स में लिया था वैसे ही आप देखो यहाँ वन के ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है साहब ये, और यहाँ क्या आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक आ रहा है साहब। तो माइनस इनफाइनाइट से वन माइनस वन, ठीक है ना, और यूनियन वन टू इनफाइनाइट, ये आपकी क्या हो गई यहाँ पर रेंज हो गई साहब इस गिवन फंक्शन के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के 6 ग्राफ हैं उनके रेंज और डोमेन डिस्कस करे हैं आज के इस वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।